अगर मुर्गी मुर्गे को हरा दे तो मुर्गा क्या करेगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। लोगों को अगर पता चल गया कि हम हार गए हैं तो तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। उस औरत ने तुम सबकी छुट्टी कर दी। नालायक लोग, दफा हो जाओ। सॉरी सर। ठीक है, जीतने वाले 8 स्टूडेंट्स से बात करो, उनको हमारे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलवाओ। 8 सीट है सर, 50,000 के हिसाब से 4 लाख होंगे सर। पिछले साल हमने प्रमोशन पर 14 लाख खर्च किए थे। अगर उन्हें एडमिशन देते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम 10 बार न्यूज़पेपर्स में आएगा। फ्री प्रमोशन मतलब हमारा खर्चा आधा, मतलब 3 लाख की बचत। आइंदा मुझे मैथ मत सिखाना। आपसे मिलना चाहता था सर, गवर्नमेंट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था। नमस्ते सर। तुम वाइस प्रिंसिपल थे? हाँ सर, हाँ, और सब मुझसे खुश भी रहते थे, लेकिन उस औरत ने मुझे सस्पेंड कर दिया। ये तो तुम कह रहे हो ना, हम भी पता लगाएंगे कि तुम किस लिए आए हो। वहाँ के स्कूल की टीचर्स की हालत बहुत खराब है सर, हमें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। डिसिप्लिन के नाम पर उनसे बैलों की तरह काम कराया जाता है, ठीक वैसे जैसे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ। 2 दिन बाद वहाँ एनुअल डे का फंक्शन है, उनका एनुअल डे आपके मुकाबले कम नहीं होगा। जरा सोचिए इससे आपके स्कूल पे क्या असर पड़ेगा। हमारे भले की बात कर रहा है? यस सर। वहां पर एक बुके भिजवा दो। ठीक है सर। ये अच्छा रहेगा ना? बहुत अच्छा रहेगा सर। इसने मुझे चैलेंज किया था, देखा मैंने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तुमने 14 साल की नौकरी में तुमसे पहली बार किसी ने काम करवाया है, तो ये बताओ कौन जीता, तुम या मैडम? अकल क्या घास चरने गई है? ठीक है, मेरे साथ चल, चल मेरे साथ। मम्मी कहाँ ले जा रही हो आप? चल मेरे साथ। क्या हुआ, बोला ना? चल, अब मानती हो ना मेरा बेटा 0 नहीं है? तुम्हारा बेटा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी बद्दुआ है, इसका कभी भला नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा था, मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए बहुत डरी हुई थी। सर ये क्या हुआ, आपने बुके भिजवाया था लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। जरूर होगा, इंतजार करो। मैं आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैडम आइए। मैं MSC स्कूल से आया हूं मैडम, हमारे प्रेसिडेंट ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है। बैठिए। थैंक यू मैडम।
आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम, हर जगह आपकी ही चर्चा हो रही है। आपकी ये सेवा सिर्फ यहीं पे सिमट कर नहीं रहनी चाहिए, सरकार आपके टैलेंट की रेस्पेक्ट नहीं करेगी। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही आपके टैलेंट को अच्छे से समझ सकती है और उसकी कीमत भी दे सकती है। मेरा मतलब है आप MSC स्कूल की प्रिंसिपल बन जाइए। मैं अपने सर की तरफ से आपको ये प्रस्ताव दे रहा हूँ, इसीलिए सर ने आपके लिए बुके भेजा था। इसके अलावा एक और चीज लाया हूँ, ये लीजिए। ये क्या है? 5 लाख कैश सर ने आपको देने के लिए कहा है। आप चाहते हैं मैं आपके स्कूल के लिए काम करूं? मैं उनसे मिलूंगी तो कह दूंगी कि आप बड़े ही वफादार आदमी हैं। ये पैसे उठाइए और निकलिए। मैडम सर बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी जो डिमांड है वो बता दीजिए, मैं सर से बात करूंगा, वो सारी डिमांड पूरी करेंगे। आप शक्ल से समझदार लगते हैं, इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले समझदारी क्यों नहीं दिखाई? अब निकलिए, जाइए यहां से। मुझे बाहर निकाल दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी सर। छे, निकल बाहर। इससे अच्छी तो वही है। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था? मुझे लगा उसमें बम है। क्या तूने मुझे आतंकवादी समझ रखा है? तू चाहता है मैं बच्चों की जान ले लूं? तू टीचर बनने के लिए कहीं से भी फिट नहीं है। मारने और जीतने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उस औरत ने मुझे चैलेंज किया है, मुझे उसे हराना होगा। लेकिन तू अभी मेरे स्कूल से बाहर निकल, निकल। मेरे पास एक और आइडिया है सर। बोल। 82 स्टूडेंट्स जो पिछले साल 9 स्टैंडर्ड में फेल हुए थे ना, उसने उन्हें 10 स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया है। एग्जाम 10 दिन बाद है, हॉल टिकट भी आ चुके हैं। अगर हम उसके खिलाफ केस फाइल करें तो उसे फंसा सकते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, आइडिया अच्छा है, बाकी मैं देखता हूँ। कभी भी मेरे स्कूल मत आना, निकल बाहर। उस जगह को साफ कर जहाँ ये खड़ा हुआ था, और मेरे दामाद को फोन लगा। जी ठीक है। अंदर आओ। आज क्या लाया हो मेरे लिए? आज कुछ नहीं लाया। तो फिर? कल कुछ लोग लड़की का हाथ मांगने आए थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा शादी के पहले लड़की का हाथ मांगना पड़ता है, उसके बाद ही लड़की से शादी होती है। मतलब? इसलिए मैं आपका हाथ मांगने आया हूँ। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, क्यों? मम्मी पापा से बात करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम, मेरा भाई बात कर लेगा, वो 7th क्लास में है। टॉय करूंगी तुम्हारी, क्लास में जाओ। नाराज हो गए लगता है। ये लो नई पेंसिल तुम्हारे लिए, रबड़ वाली पेंसिल। बहुत शैतान है वो, मुझसे शादी करना चाहता है। शायद वो तुम्हें कुछ याद दिला रहा था, बहुत से लोगों का रिश्ता आ रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हो कि अपने फैसले पर अड़ी हुई हो। आप जाकर सो जाइए, गुड नाइट। हमेशा चुप कराने का बहाना ढूंढ लेती है। पापा मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाएंगे? पापा, पापा,
डॉक्टर प्लीज घर आ जाइए। लगभग 2 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। अगर रात को ही मुझे खबर कर दी होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। इनकी रिपोर्ट बना दीजिए। ठीक है। ममता आज मैं फर्स्ट हाफ में नहीं आऊंगी। ठीक है मैडम। ओके। आपके पिताजी बीमार है क्या? मेरे पिताजी गुजर गए। मैं साथ चलूं? कोई बात नहीं, मैं संभालूंगी। आप चलिए, मैं पीछे आती हूँ। ठीक है। बॉडी को नीचे मत रखो, माओ। हाँ? ये औरत यहाँ क्या कर रही है? बहन जी आप अंदर नहीं आ सकती, ऐसी जगह पर औरतों का आना मना है। मुझे रास्ता दो। लंच ब्रेक में सारा स्टाफ प्रिंसिपल के घर जा रहा है उनसे मिलने, हमें भी चलना चाहिए ना। ठीक है। ए, वहां देख, इसके बाप को मरे 1 दिन भी नहीं हुआ और ये स्कूल चली आई। बड़ी अजीब औरत है ना, इसका दिल पत्थर का है। फेवरेट करी बनाई, बहुत ही स्वादिष्ट थी। अब कल तुम अपना मनपसंद वाला पुलाव बनाना, मुझे लगेगा मैंने खाया। बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। हाँ, इसलिए अब अपने पापा की सुनो, आंखें बंद करो, अब जोर से सांस लो। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, बाय बेटा।